Good morning, students. Today I will start chapter number 1, large number of class 3rd, 3rd part, exercise 1.7. Round off the following number to the nearest 10. देखो आपको round off करना है और nearest 10 में. देखिए जो 343 जो है वो किसके पास पड़ रहा है? 340 के. मतलब 343, 350 के पास पड़ता है या फिर 340 के? तो वो पड़ता है 340 के पास. ठीक है, क्योंकि nearest के किसके पास पड़ता है? Nearest 10. तो देखिए nearest 10 में क्या होता है, if ones place digit is less than 5. अगर ones place पर, जैसे कि यहाँ पे ones place जो है वो 5 है. ठीक है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट प्लेस पैलेस होता है वो होता है वंस, फिर सेकंड टेंस और फिर है 100. तो अगर फर्स्ट प्लेस पर वंस पर अगर हमारा 3 है लेस देन 5, देन रिप्लेस वंस प्लेस डिजिट बाय 0. तो हमारी यहाँ पे वंस प्लेस डिजिट पर क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी. एंड कीप द अदर डिजिट एज दे. ठीक है, और जो बची हुई बार की डिजिट है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगी. तो देखिए यहाँ पे जो हमारी वंस प्लेस पर जो डिजिट है फर्स्ट पोजीशन पर, वंस पोजीशन पर जो हमारी डिजिट है वो है 3. तो ये 3 जो है वो लेस देन 5 है, 5 से छोटी है. तो इसीलिए हमारे 3 की जगह पर फर्स्ट प्लेस पर तो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी. और जो बाकी नंबर है वो एज इट इज़ रहेंगे, मतलब 3 और 4. ठीक है, अगर हमारी वंस डिजिट पर लेस देन 5 है, 5 से छोटा है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है, तो हमारे जो नेक्स्ट डिजिट में जो नंबर है वो ऐड नहीं होगा, मतलब टेंथ डिजिट पर ऐड नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा. उसके बाद देखिए आप सेकंड एग्जांपल से समझिए. सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है? 6, 7, 8, 9. जो 9 है वो हमारे कौन से प्लेस पर है? वंस प्लेस पर. और टेंथ प्लेस पर 8 है और 100 प्लेस पर 7 है और 1000 प्लेस पर 6 है. तो देखो वंस प्लेस पर क्या है हमारे? 9. टेंथ प्लेस पर 8 और 100 प्लेस पर 7. तो जो 9 है, 9 इज़ मोर देन 5. ठीक है, जो 9 है वो 5 से बड़ा है. तो इसलिए जो हमारी वंस प्लेस पर जो डिजिट आएगी वो तो 0 आएगी. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी. देखो यहाँ पे देखिए, इफ़ वंस प्लेस डिजिट इज़ 5 और मोर देन 5, अगर हमारी वंस प्लेस डिजिट पर 5 है या फिर 5 से ज़्यादा है, देन इंक्रीज टेंस प्लेस डिजिट बाय 1. तो हमारी जो 1 जो टेंस डिजिट है उसमें 1 जो है वो ऐड हो जाएगा, मतलब 1 नंबर जो ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 + 1 = 9 आ जाएगा. ठीक है, और जो जो हमारी वंस प्लेस डिजिट है उस पर 0 रहेगा और बाकी जो है वो एज इट इज़ रहेगा, 7 और 6. तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6, 7, 9, 0. तो आपको 0 क्यों आएंगे यहाँ पे? क्यों यहाँ पे 9 कैसे आ गया? क्योंकि जो 9 है, 9 हमारा 5 से बड़ा है. अगर 4 है, 5 है, 6 है और 9, 8, 7, मतलब अगर 5, 6, 7, 8 और 9 अगर होगा हमारे वंस प्लेस पर, तो 1 नंबर जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इधर इंक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ पर वंस प्लेस पर हमारा 0 रहेगा और बाकी एज इट इज़ रहेगी वैल्यू. तो यहाँ पे 8 की जगह पे क्या आ जाएगा? 9. जबकि इस वाले क्वेश्चन में हमारा एज इट इज़ रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे 4 एज इट इज़ रहा है. क्यों? क्योंकि जो 3 है वो लेस देन 5 है. वैसे ही यहाँ पे देखिए जो हमारी वंस प्लेस डिजिट है उसमें क्या है? 4 है. तो 4 की जगह पे क्या आ जाएगा? क्योंकि वंस प्लेस डिजिट की तो 0 बन जाती है और जो 4 है वो लेस देन 5 है, 5 से छोटा है. अगर हमारा 1, 2, 3, 4 होगा तो उसमें जो है वो 1 नंबर जो है वो इधर रिप्लेस नहीं होगा, ऐड नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या है? ये 3 एज इट इज़ रहेगा और 5 एज इट इज़ रहेगा. तो 5, 3, 0 आपका आंसर आ जाएगा. यहाँ पे ऐसे भी देखिए आप कि ये किसके पास पड़ रहा है नियरेस्ट. देखो 534 जो है वो 30 के पास पड़ रहा है या फिर 40 के पास, क्योंकि देखिए आप 34 जो है वो 34 जो है अगर 40 के पास पड़ेगा तो 6 डिजिट और चाहिए, और जो 30 है इसमें क्या है? 4 डिजिट है. तो मतलब जो हमारा 534 जो है वो किसके नियरेस्ट है, किसके पास है? 530 के, ना कि 540 के. ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो 3 है उसमें क्यों नहीं ऐड हो रहा, क्योंकि अगर वंस प्लेस पर लेस देन 5 है तो ऐड नहीं होगा. उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100. अब आपको 100 में देखना है, मतलब कौन सा प्लेस देखना है? जब आपको 100 में के नियरेस्ट करना है तो आपको टेंस डिजिट देखनी है, और जब आपको टेंस में कन्वर्ट करना है तो आपको वंस डिजिट देखनी है. तो अब देखिए जो आपका टेंस डिजिट है यहाँ पे क्या है? 6. मतलब आपकी जो डिजिट है वो क्या है? 4, 6 और 9. तो आपको 100 में कन्वर्ट करना है नियरेस्ट 100. तो आपको अब देखना है टेंस डिजिट. अगर टेंस डिजिट पर मोर देन 5 है, 5 से ज़्यादा बड़ा है, मतलब 5, 6, 7, 8 और 9 है, तो 1 जो है नंबर वो इधर इंक्रीज़ हो जाएगा.
ठीक है, तो यहाँ पे जो वन नंबर है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 5 और इन सब की क्या बन जाएगा, 0। यहाँ पे वंस और टेंस जो डिजिट है वो क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएगी। ठीक है, वंस प्लेस पर और टेंस प्लेस पर क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। और वन जो नंबर है वो इधर इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि जो 6 है वो मोर देन 5 है। ओके, फिर देखना है आपको सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड पार्ट इसका 327। 327 देखिए यहाँ पे क्या है, 3, 2 और 7, और आपको कौन से डिजिट नहीं देखने हैं, टेंस डिजिट। तो अगर टेंस डिजिट लेस देन 5 है, मतलब देखो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये क्या है, लेस देन 5। तो वन जो नंबर है वो इधर इंक्रीज नहीं होगा, तो यहाँ पे ये 3 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, 3 और यहाँ पे 0 और 0, 300। मतलब जो ये 327 है किसके नियरेस्ट पड़ रहा है, 300 के, 400 के, वो 300 के पड़ रहा है। और आपको ये भी बता दें कि क्योंकि जो 2 है वो लेस देन 5 है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 6, 7, 6, 7, 3। तो 6, 7 जो 3 है इसमें आपको टेंस डिजिट देखनी है, जो टेंस है, टेंस पर जो डिजिट है वो मोर देन 5 है, 5 से बड़ी है, तो वन नंबर जो है वो इधर इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे 0, 0, मतलब 673 700 के पास पड़ रहा है, ना कि 600 के पास पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 700 और यहाँ पे आएगा 300। एक्सरसाइज 1.8 में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब रोमन नंबर और हिंदू अरेबिक नंबर में। तो हिंदू अरेबिक नंबर किसको बोलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 जो होते हैं उनको बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर्स, न्यूमरल्स बोलते हैं, और जैसे कि हम इसमें इस वाली फॉर्म में लिखते हैं तो उनको बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स। तो देखो फर्स्ट क्लास को हम लिखते हैं ये वाला, मतलब ऐसे लिखते हैं, फिफ्थ क्लास को हम ऐसे लिखते हैं, टेंथ को ऐसे, और जो 50 होता है उसको एल, और जो 100 होता है उसको सी लिखते हैं, और जो 500 होता है वो डी, और जो 1000 होता है वो 5 एम। तो आपको याद रखना है कि रोमन नंबर में इसको कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको लिखना है क्या, मतलब 30 लिखना है, फॉर एग्जांपल आपको 30 लिखना है, तो 30 आप कैसे लिखेंगे, 30 का मतलब क्या है, 10 प्लस 10 प्लस 10। देखो 10 प्लस 10 प्लस 10, और 10 को हम रोमन नंबर न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं, एक्स। तो यहाँ पे x हो जाएगा, फिर दूसरे 10 का भी हमारा x हो जाएगा, और यहाँ पे नेक्स्ट 10 का भी x हो जाएगा, तो ट्रिपल x क्या है हमारा, 30। तो देखिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रोमन न्यूमरल्स, आपको इसको रोमन न्यूमरल्स में एक्सप्रेस करना है। जैसे 40 है, आपको 40 कैसे लिखना है, 10 प्लस 4, तो 10 को हम लिखते हैं x, और 4 के लिखते हैं 1, 4। देखो फोर्थ क्लास को हम ऐसे लिखते हैं 1 और v लिखते हैं। उसके बाद 24 अगर आपको लिखना है, तो 24 को आप लिखेंगे 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 4 24, तो 10 को लिखते हैं हम x, फिर नेक्स्ट 10 को भी हम क्या लिखेंगे, x, और 4 को लिखेंगे 1v। ठीक है, फोर्थ क्लास को ऐसे लिखते हैं। उसके बाद है 37 आपको लिखना है, तो 37 में आप 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7, तो 10 को हम कैसे लिखेंगे, x, फिर दूसरे 10 को भी x, और नेक्स्ट 10 को भी x, मतलब ट्रिपल x, और 7 क्लास को हम कैसे लिखते हैं, v और 1 1, तो ये हो जाएगा आपका 37, मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 30 30 प्लस 7 37। उसके बाद आपको लिखना है 63, तो 63 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 10 प्लस 3, और 50 को मैंने अभी आपको टेबल दिखाई थी उसमें, तो 50 को लिखते हैं हम L, ठीक है, और 10 को लिखेंगे हम X, और थर्ड क्लास को लिखते हैं 1 1 1, ऐसे लिखते हैं थर्ड क्लास को, तो ये हो गया हमारा 67। उसके बाद है आपको लिखना है 175, तो 175 को लिखेंगे 100 प्लस 5 150 150 प्लस 10 160 170 175। तो देखो आपको 100 को लिखना है C, मैंने आपको अभी टेबल भी दिखाई दी, 100 का मतलब होता है C, और 50 का मतलब होता है L, और 10 का मतलब होता है X, फिर 10 का मतलब को ऐसे लिखते हैं X, और फिफ्थ क्लास को लिखते हैं V। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 175। अब देखिए आपको नेक्स्ट करना है, आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। आपको एक्स डबल वन को लिखना है, एक्स का मतलब होता है 10 और डबल वन का मतलब होता है 2, तो ये हो गया 12। आपको लिखना है एक्स, यहाँ पे इसके सामने लिखना है, मतलब एक्स और डबल वन को लिखना है आपको 12, ये इसका आंसर है। उसके बाद है, यहाँ पे देखो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, उसके बाद है ट्रिपल डबल एक्स और 1x। तो देखो डबल जो एक्स होता है उसका मतलब हो गया 10, फिर नेक्स्ट एक्स का भी क्या मतलब हो गया 10, 10 प्लस 10 20, और इसको 1x को लिखते हैं, 1x का मतलब होता है 9। ठीक है,
ट्वेंटी प्लस नाइन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 29। तो आपको यहाँ पे लिखना है 29, यहाँ पे हो जाएगा ये 29। उसके बाद आपको लिखना है एक्स प्लस एक्स प्लस फाइव, तो एक्स का मतलब होता है 10, फिर नेक्स्ट 10 का एक्स का भी मतलब 10, और वी का मतलब होता है 5। तो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 5 25, तो आपको लिखना है यहाँ पे 25, ये इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है एल, एल का मतलब होता है 50 प्लस एक्स का मतलब हो गया 10, फिर एक्स का मतलब हो गया 10, फिर नेक्स्ट एक्स का भी मतलब हो गया 10, और वी वन का मतलब होता है 6। तो 50 प्लस 60, 60 प्लस 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 6 86, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 86। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ जो हमारा हिंदू अरबिक नंबर में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास को हम लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में 1, सेकंड को लिखते हैं 11, और थर्ड क्लास को लिखते हैं 111, और फोर्थ क्लास को लिखते हैं हम 1V, ये होता है फोर्थ क्लास का सिंबल। उसके बाद है फिफ्थ क्लास को हम लिखते हैं V, और सिक्स को लिखते हैं, अगर फाइव में वन प्लस कर दें, देखो ये हो गया 5, और फाइव में अगर आप वन प्लस कर दो तो ये हो गया 6। उसके बाद आप 7 कैसे लिखेंगे, 7 का मतलब है 5 प्लस 2, तो ये हो गया 7। उसके बाद एट को आप लिखेंगे 5 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 8, ठीक है। और नाइन्थ क्लास को हम लिखते हैं, नाइन्थ क्लास को लिखते हैं, देखो 10 को 9 और 10, तो 10 को हम लिखते हैं एक्स, और 9 को लिखेंगे 1x, ठीक है 1x। उसके बाद आपको 11 लिखना है, तो 11 को आप लिखेंगे 10 प्लस 1 11, आपको 12 लिखना है तो 12 को लिखेंगे आप x प्लस डबल 2, तो ये हो गया आपका 12। उसके बाद आपको 13 लिखना है, तो 13 को आप लिखेंगे 10, 10 का मतलब होता है x, और 3 को लिखेंगे 111, तो ये हो गया आपका 13। और फिर आपको 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। तो आपको 14 को लिखना है 10 प्लस फोर्थ क्लास, 4 को हम ऐसे लिखते हैं 1V, अगर आपको याद हो अभी मैंने आपको लिख के दिखाया। और 15 को लिखेंगे 10, 10 का मतलब x, और फिफ्थ को हम ऐसे लिखते हैं v, और 16 को लिखेंगे 10 मतलब x प्लस v प्लस 1, तो ये 16 हो गया। 17 को लिखेंगे 10 प्लस 7, ठीक है, और 18 को लिखेंगे 10 प्लस 8, 18, 10 प्लस 8 18 हो गया ये, ठीक है। और 19 को लिखेंगे 10 प्लस 1x, तो ये हो गया 19, और 20 को लिखेंगे 10 प्लस 10। दैट्स ऑल फॉर टुडे।